नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना वायरस से लड़ाई में लॉकडाउन हुए 24 दिन बीत चुके हैं। लोग घरों में बंद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बंदिशें हटेंगी और रोजमर्रा के काम पटरी पर आएंगे। हालांकि 15 अप्रैल से शुरू हुए लॉकडाउन पार्ट टू के बाद सरकार ने कई तरह की ढील दी है, लेकिन यही मॉडिफाइड लॉकडाउन लोगों में असमंजस की वजह बन रहा है। दूसरे लॉकडाउन में आंशिक रिलैक्सेशन के बाद कई तरह के सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनके लिए इस लॉकडाउन के क्या मायने हैं। मसलन, कारपेंटर, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियंस को इजाजत मिली है, तो क्या इनसे जुड़ी दुकानें भी खुली रहेंगी? अगर खुलेंगी तो लॉकडाउन का क्या अर्थ रहेगा, और अगर नहीं खुलेंगी तो इन्हें छूट देने का क्या फायदा मिलेगा? इसी तरह की चुनौतियां और सवाल हर उस लाइन के साथ जुड़ गए हैं जहां सरकार ने ढील दी है। सवाल ये कि कहीं ये ढील की गफलत लॉकडाउन के उद्देश्यों को डाउन ना कर दे, और इसलिए हम कह रहे हैं रियायतें 4 हैं तो चुनौतियां 1000 हैं। महामारी में छूट वाली बहार है, मॉडिफाइड लॉकडाउन से उठे सवाल हैं, कहीं आफत ना बन जाए राहत, रियायतें 4 चुनौतियां 1000 हैं। तो 20 अप्रैल से सरकार मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करने की पूरी तैयारी में है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत इंतजार कर रही हैं। क्या असमंजस की जो स्थिति लोगों के बीच बनी है उसे दूर कर पाएगी सरकार? क्या लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ रियायतों का फायदा ले पाएंगे लोग? ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। चलिए सबसे पहले मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल हमारे साथ है, बहुत स्वागत है भंवरलाल जी आपका। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ है, अरुण जी बहुत स्वागत है आपका। विश्लेषक सुभद्र पापड़ीवाल जी हैं, सुभद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। बनेचंद जैन जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया एग्रीकल्चर एसोसिएशन के, और साथ ही बद्रीराव जाखड़ जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन जोधपुर से। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत मास्टर भंवरलाल जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि अब मॉडिफाइड लॉकडाउन यहां से लागू करने सरकार जा रही 20 तारीख से, क्या ये राहत लोगों के लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएगी? जब से लॉकडाउन हुआ है राजस्थान और फिर उसके बाद 24 तारीख अपने भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 तारीख को रात के 12 बजे बाद लॉकडाउन, तब से लेकर अब तक 24 दिन हो गए आज जी। राजस्थान ने बखूबी निभाया है, बहुत ही शानदार तरीके से काम करने की चेष्टा की है, कोरोना को भगाने की चेष्टा की है। और राजस्थान के अंदर मैं कहना चाहूंगा जी, कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, पहले भीलवाड़ा मॉडल आपके सामने है, और उसके बाद में राजस्थान में जगह जगह जहां भी कोरोना का फैलाव हुआ वहां वहां पर जिस प्रकार से जांच की गई है, और आपको मालूम है जांच करेंगे तो कोरोना के मरीज भी बढ़ेंगे, लेकिन उसमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख से लेकर के और 20 तारीख के दिन बीच 4-5 दिन पड़े हैं, और इन 3-4-5 दिन के अंदर राजस्थान की सरकार पूरी तरह से सजग है, राजस्थान के मुख्यमंत्री पूरी तरह से सजग हैं, राजस्थान में सारी पार्टियां सजग हैं। लॉकडाउन खोला जाएगा, ये बात सही है कि 20 तारीख से देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन खोलने के निर्देश जारी किए हैं, और वो लॉकडाउन खोलने के लिए जो जारी किए हैं उनमें अलग अलग प्रकार के उनको निर्देश भी जारी किए हैं कि किस प्रकार से लॉकडाउन खोला जाएगा, किस प्रकार से लोग दुकान खोल सकेंगे, किस प्रकार से आवागमन के अंदर यही लोग सवाल आएंगे, है बिल्कुल। ये सारी बातें भंवरलाल जी, भंवरलाल जी बिल्कुल, देखिए कोई शक नहीं, प्रदेश सरकार सजग है, देखिए कोई इस पर शक नहीं, कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ठीक है 20 तारीख से मॉडिफाइड लॉकडाउन जारी किया जाएगा, लोगों को जो रियायतें दी जा रही है वो इंप्लीमेंट की जाएंगी, लेकिन उसे लेकर चुनौतियां भी तो सरकार के लिए बड़ी है। क्या आप ये मानते हैं कि इसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट कराना, कि लॉकडाउन भी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए, जो रियायतें दी गई उसी के अनुरूप ही यहां पर काम भी हो, आंकड़े भी ना बढ़े और जो रियायतें दी जा रही है उसका फायदा लोगों को मिल सके, ये चुनौती तो है सरकार के लिए? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लगातार 2-3 दिन के अंदर जो 10,000 हमारे किट आए हैं, रैपिड टेस्ट किट आए हैं, उनसे हम तत्काल जांच कराएंगे पूरे राजस्थान में। लाखों रैपिड किट और आ रहे हैं, तत्काल हम जांच कराएंगे। और जो आपने जो सवाल किया है जी,
जब सवाल किया कि राजस्थान सरकार किस तरीके से इसमें निपटेगी, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार सचेत है, सारा मंत्रिमंडल सचेत है, सारे लोग सचेत हैं, और राजस्थान की सरकार ही नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 20 तारीख से लॉकडाउन के लिए कुछ मॉडिफाइड लॉकडाउन खोलने की बात कही है, तो इसमें पूरा राजस्थान एक साथ है और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। उम्मीद नहीं करते कि देखिए चुनौतियों का सामना भी हो और पूरी तरह से इसकी पालना भी हो सके। अरुण चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ बने हुए। अरुण जी, प्रदेश की हम बात करें, चलिए बहुत सख्ती भी सरकार कर रही है, लॉकडाउन भी हो, ये जरूरी भी था, बकायदा उसे किया भी जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि चुनौतियां तो बड़ी रहेंगी, कि आप भी मानते हैं इसे इंप्लीमेंट करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, कि जो रियायतें दी जा रही हैं और जो लोगों में गफलत है, कुछ असमंजस की स्थिति है, उसे भी कहीं ना कहीं दुरुस्त करना होगा सरकार को। श्वेता जी, बात सही है कि कोरोना जिस प्रकार की वैश्विक चुनौती हमारे सामने बन के खड़ा हुआ है, जी एक ऐसा शत्रु है जो अदृश्य है, किसी को दिखता नहीं है, और कब किसके ऊपर कहां मार करेगा ये किसी को पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को पहले अपनी एक अपील की, 24 तारीख से फिर लॉकडाउन की बात की, और लगातार ये पिछले 21 दिन निकले, उसके बाद भी 3 दिन ऊपर निकल गए हैं। देश की जनता ने जिस प्रकार से पूरी अनुशासन के साथ, और राजस्थान की जनता ने भी जैसा राजस्थान का चरित्र और स्वभाव है उसी के तहत पूरे अनुशासन के साथ इस लॉकडाउन का पालन किया है, और यही कारण है कि दुनिया के जितने अपने विकसित देश हैं उन विकसित देशों की तुलना में आज भारत इस दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति में आकर खड़ा हुआ है। और राजस्थान भी, मैं कह सकता हूं कि कुछ घटनाओं को छोड़ दें जिनके कारण से देश में और राजस्थान में भी बड़े पैमाने पर ये कोरोना की घटनाएं बढ़ी हैं, तो आप आमतौर पर हम कहें तो अच्छी तरह से जी। मैं कह सकता हूं कि इस पूरे दौर में जो भारत से और राजस्थान से अपेक्षा थी, मैं मोहनलाल जी की बात से सहमत हूँ कि सब जने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, राजस्थान की सरकार ने भी, सब दलों ने एक बात को कहा, इस समय सबके सामने चुनौती है, इसलिए हम राजनीति नहीं बल्कि देश और समाज की चिंता करते हुए एक मुखी होकर के इस कोरोना को कैसे हराना, इस दिशा में चलेंगे, ये अब तक रही है। लेकिन ये बात आपने कही है, बात ठीक है, 20 तारीख को लॉकडाउन तो 3 मई तक चलेगा, वो समाप्त नहीं होने वाला है जी। लेकिन देश का आर्थिक तंत्र में कुछ चीजें हैं जिन घटनाओं को वापस कर गए। एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हमारी फसल कटने के लिए तैयार है, और उस खरीफ की फसल को कटने के लिए जब तैयार है तो किसानों को पूरी सुविधा दी जाए, उसकी कटाई हो जाए, कट करके वो मंडियों तक पहुंच जाए, जिससे उसको अपने फसल का पूरा मूल्य जो केंद्र और राज्य की सरकार ने अपने अपने पॉइंट तय किए हैं उसके तहत MSP के आधार पर उस फसल की खरीद हो सके, मंडियों में पहुँच सके। इसके साथ साथ बहुत सारी गतिविधियाँ जिनके बारे में डिटेल चर्चा करने का समय नहीं, लेकिन एक गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी की है, जिन गाइडलाइंस के आधार पर कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट्स की, और डिस्ट्रिक्ट्स में भी उन स्पॉट्स की कैटेगरी बनेगी जहां पर किस प्रकार के कोरोना के कितने कितने केसेस हैं, रिलैक्सेशन भी उसी के हिसाब से होगा। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूं कि चुनौती है, 20 को जब रिलैक्सेशन होगा तो कुछ जिन कैटेगरीज को हमने रिलैक्स किया है उन कैटेगरीज को रिलैक्स करते ही सड़क पे कुछ लोग निकलेंगे, कुछ तो अपने व्यापार की दृष्टि से निकलेंगे, जिस स्टेट के लिए निकल के आने बात वो हुई है, और उसी की आड़ में कुछ और लोग निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि इस चुनौती को जहां प्रशासन और सरकार को एक पूरी तरह से लोग जागरूक हों, इसके सारे प्रयास करने चाहिए। अभी तक ध्यान में आया है कुछ घटनाओं की हम बात करें तो जिन घटनाओं के आधार पर अगर थोड़ी सी सख्ती सरकार की होती और विशेष रूप से जयपुर में, तो शायद हम जो कुछ छोटी मोटी जो हम अनहोनी चीजें हुई हैं उनको टाल सकते थे। तो इसमें एक जागरण का काम भी होना चाहिए, जहाँ आवश्यकता हो तो सख्ती की बात भी निकल करके आया, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, और विपक्ष क्योंकि विपक्ष सरकार के साथ है, सब एकजुट होकर, अगर अरुण जी जिस तरह से आपने बात भी कही, ऐसे अगर काम भी करेंगे, जहां कमियां हैं उसे दूर कर एकजुट होकर काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर राजस्थान एक अलग पहचान देश में बनाएगा इस कोरोना की जंग में जीत दर्ज करने को लेकर। बनीचंद जी भी हमारे साथ है, जिस तरह की अरुण जी ने कृषि का जिक्र किया, बनीचंद जी जो रियायतें दी गई हैं कृषि में, क्या आपको लगता है कि हाँ उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा तो थोड़ा कुछ फायदा यहाँ पर मिल सकता है? जिस तरह से अभी तक पूरी तरह से लॉकडाउन था, कुछ नहीं किया जा सकता था, किसान परेशान थे। देखिए, एक बात समझने की है, ये लॉकडाउन जब से केंद्र सरकार ने लागू किया है तब से ही किसानों को रियायत की बात फर्स्ट डे से कह दी थी जी। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के उपयोग करने है सिंचाई के उपकरण और उनकी मरम्मत की दुकानें प्लस उनके जितने भी काश्तकार हैं उनके आने जाने की सुविधा और उनके लिए लेबर जो जरूरत होती है इनके लिए हम छूट देंगे, परंतु हुआ ऐसा नहीं है जी। तब से अब तक लेके कोई भी ग्राहक, कोई भी काश्तकार, जैसे बगरू से आना है, मेला से आना है, फूलेरा से आना है, आसपास के
अराउंड जयपुर जो भी काश्तकार आएगा वो नहीं आ पा रहा है। कारण एक है कि उसको पुलिस वाले ही रस्ते में रोक लेते हैं, गाड़ी सीज कर लेते हैं कि भाई तेरे को जाने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन राज्य सरकार को जारी करी, राज्य सरकार को उस गाइडलाइन को अपने पुलिस कर्मियों को बताना चाहिए। लेकिन ये तो 20 तारीख से इम्प्लीमेंट होगा ना, अभी तक तो सख्ती थी। नहीं नहीं, अभी आप तक तो सख्ती केंद्र थी। सरकार का उस टाइम का जो नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें ये मेंशन करा हुआ है। ठीक है, लेकिन चलिए अगर ये छूट दे भी दी जाएगी, लेकिन जब मजदूरों को आने नहीं दिया, जो जिन्हें काम करना है जब वो आएंगे नहीं तो काम भी तो नहीं होगा। उस वक्त तो बहुत ज्यादा सख्ती थी, अब इस चीजों को 20 के बाद कहा जा रहा है कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो आपको लगता है कि चलिए अभी जो दिक्कतें हुई हैं वो अब 20 के बाद नहीं होंगी? नहीं नहीं, 20 के बाद दिक्कतें होगी और ज्यादा होगी। इसलिए होगी, दिक्कत वैसे नहीं है, काश्तकार को सुविधा मिलनी चाहिए। काश्तकार यदि कोई पंप निकालता है तो रिपेयरिंग की दुकान खुली मिलनी चाहिए। रिपेयरिंग के बाद उसके पास जो समर्सिबल पंप है या वाटर पंप का कोई भी पुर्जा खराब हो गया, एम्पुलर है, साफ्ट है, सील है, जो भी है, एनी हाउ जो भी खराब है वो उसको मिलनी चाहिए। उसके लिए वो जयपुर आएगा, जयपुर में आने जाने की उसको सुविधा मिलनी चाहिए। पहली बात तो उसके जिस भी व्हीकल से आए या सरकारी कोई व्हीकल ऐसा मिलना चाहिए जिससे वो आ जा सके। हर आदमी के पास उनके निजी व्हीकल तो होते नहीं है। अब वो जो लेके यहाँ जयपुर में आएगा कोई भी सामान लेने के लिए, तो यहाँ के दुकानदारों के लिए भी इन्होंने कोई सुविधा नहीं कर रखी, नहीं खुलेगी। हाँ, ये यही सब असमंजस है। बिल्कुल, ये जो आपने कहा, आपके पास वापस लौटेंगे सुभद्र पापड़ीवाल जी, अभी आपने सबकी बातें सुनी, सब ठीक है, साथ भी है इस जंग में, लेकिन कुछ सवाल आपसे यही है कि जो लोगों के बीच में असमंजस है इसे लेकर, जैसे कि अभी बनीचंद जी ने भी कहा कि अगर जरूरत है और अगर मार्केट आना है, शहर में आना है, वो एंट्री नहीं दी जाएगी, ये गफलत कैसे दूर होगी? और इसी लिहाज से हम बात कर रहे हैं कि चुनौती आने वाले वक्त में, यानी 20 तारीख के बाद मॉडिफाइड लॉकडाउन में ज्यादा हो जाएगी सरकार के लिए। बहुत सारी गफलतें ही गफलतें हैं जी, और आज से नहीं है, पिछले 20-25 दिन से जितने भी नोटिफिकेशन या राजकीय आदेश निकले हैं उनमें लूप्स ओपन रखे गए हैं, बहुत ज्यादा ओपन लूप्स हैं। उदाहरण के लिए 15 तारीख का ये लेटेस्ट आदेश मैं साथ में लेके आया हूँ। इस लेटेस्ट आदेश में एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत लंबी बात करने का समय नहीं है। इसका पैरा नंबर 6 में उद्योग और कार्यशालाएं यानी इंडस्ट्रीज और वर्कशॉप्स के बारे में चर्चा की गई है। इसमें पॉइंट नंबर ए से लेकर के और एल तक कैटेगरी दी गई है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो पहले से ही स्वीकृत हैं। उसके बाद में एन में एक कैटेगरी दी गई कि जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स रिको से संबद्ध हैं या ईओयूज हैं या एसईजेड्स हैं उन सबको हमने इसमें जनरल परमिशन दे दी, ये कागज ऐसा कहता है। ठीक है, इस लिहाज से उदाहरण के तौर पे जयपुर में 11 औद्योगिक क्षेत्र हैं। मैं सरकार के नीति नियंताओं से पूछना चाह रहा हूँ, छोटा सा प्रश्न है मेरा, मैं आज दिन भर से इस एक्सरसाइज में लगा हुआ था, हमारे एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी भी लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए जयपुर में 11 औद्योगिक एसोसिएशन क्षेत्र हैं, एक औद्योगिक क्षेत्र में अगर 2000 इकाइयां हैं, एक इकाई को अगर 50% कैपेसिटी पर भी आप परमिशन दें, मान लीजिए औसत 50 आदमी हैं, तो 25 लोगों को आप परमिशन देना चाहते हैं तो लगभग 50,000 पासेज रिको के आरएम को बनाने पड़ेंगे। तो आरएम साहब से ये पूछ के हमको इतना सा बता दें कि वो 50,000 पासेज कितने सप्ताह में, कितने दिनों में बना देंगे, या पास की जरूरत ही नहीं है? यदि पास की जरूरत नहीं है तो चेक पोस्ट पे जो आदमी आने की कोशिश करेगा उसके डंडे तो नहीं पड़ेंगे? या चेक पोस्ट पे खड़ा हुआ आदमी जो है उसको पहचान जाएगा कि वो इंडस्ट्री का आदमी है, या उसकी बात पे यकीन कर लिया जाएगा? उसके पास में पास हम स्मार्ट टेलीफोन से भेजेंगे या ईमेल से भेजेंगे? उसके गांव में ई मित्र भी बंद पड़ा हुआ है, वो पास को प्रिंट आउट कर नहीं सकता। बहुत से लोगों के पास में स्मार्टफोन भी नहीं है, तो ओपन लूप, इट्स ए क्योस, यू नो, ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस बार बार पैदा की जा रही है। मेरा ये छोटा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का कोई भी सरकारी नीति नियंता जवाब दे दे कि 50,000, श्वेता जी, 50,000 पासेस बनाने, पास या तो पास बनाना नहीं है, अगर बनाना है तो रिको का आरएम 50,000 पासेस कितने हफ्ता में या कितने महीने में बना देंगे ये भी हमको पूछ के बता दें, और पास नहीं बनाना है तो चेक पॉइंट पर वो पहचान कर लिया जाएगा कि इंडस्ट्री के लिए जा रहा है। यही ये आपने एक मुद्दा उठाया बिल्कुल, और आपने कहा कि बहुत लंबी लिस्ट भी है, और ये एक मुद्दा, ऐसी समस्याएं बहुत सारी हैं। बिल्कुल, भंवरलाल जी, भंवरलाल जी इसका जरा जवाब दे दीजिए सर, मास्टर भंवरलाल जी, कि ये जो लाभ जी जो कहना चाहूंगा जी कहिए सर कि गाइडलाइन में जो चीज लिखी है वो स्पष्ट है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो भी इंडस्ट्री होगी, जो भी कारखाना होगा, उसमें जो मजदूर काम करेंगे, पहली टर्म्स कंडीशन ये है कि उनको अगर रहने की जगह है तो उनको वहीं रखना पड़ेगा। एक बार तो आएगा ना, वहीं नाइट में वहीं रखना पड़ेगा एक बार तो। नंबर दो, अगर वो लेबर बाहर से आता है तो उस लेबर को गांव से लाने के लिए या बाहर से लाने के लिए
इंडस्ट्री के मालिक को या कारखाने के मालिक को गाड़ी अवेलेबल करानी पड़ेगी, और गाड़ी अवेलेबल कराएंगे तो हमारे रिको के एरिया के जो जो संबंधित व्यक्ति हैं उनको निश्चित तौर से उस गाड़ी का पास दिया जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तत्काल वो आज से इस काम में लग जाए। जहां जहां भी जो भी अपने 11 इंडस्ट्री एरिया हैं उनके अंदर अलग अलग व्यक्तियों को लगा दिया जाएगा। आज ये बात तय हुई है, लगा दिया जाएगा और उनको पास वितरित कर दिया जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट कहूं, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो इंडस्ट्री चलाएगा, कल कारखाने चलाएंगे, उनके अंदर उनको अगर ज्यादा व्यक्ति हैं तो उनको वहीं रखने के लिए उनको व्यवस्था करने पड़ेगी, रहने की, खाने की। और ये, बाहर ये से आएंगे तो उनको अपनी गाड़ी से, स्वयं की गाड़ी से उनको लाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप इंडस्ट्री को लेकर आपने कहा, बिल्कुल। बद्रीराम जाखड़ जी का भी रुक कर लेते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी अहम सवाल है। बद्रीराम जाखड़ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अभी लौटते हैं सर। बद्रीराम जाखड़ जी भी हमारे साथ। बद्रीराम जी, जो छूट दी जा रही है, जो रियायत यहाँ पर दी जा रही है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, ये ज्यादा बढ़ेगा, लोगों के आने जाने का बढ़ेगा उन क्षेत्रों में, उन एरिया में जहाँ पर एक भी पॉजिटिव नहीं रहेंगे। आपको लगता है कि ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी कि भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, जब अभी छूट मिलेगी 20 तारीख के बाद तो लोग घर से निकलेंगे, ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जरूर ये सवाल आपसे। मैं सबसे पहला आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आप हमारे को बुलाया जी। और इसमें चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे को मौका दिया जी। जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 20 तारीख रे दिन उद्योग, छोटा गाड़ी, किसान, सबों को छूट देने के लिए एक निर्णय लिया है, और मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, ऐतिहासिक काम किया है। और ये कोरोना एक ऐसी चीज़ है, कोरोना भगाना बहुत ज़रूरी है, और इसके ड्राइवरों को ही मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ड्राइवर लोग आए और अलग अलग 6-6 फुट की दूरी से वो गाड़ी में बैठते हैं, तभी ध्यान रखें। और जहां पर होटल के ऊपर उतरते हैं तो हाथ धो के खाना खाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी इतनी सख्ती के बावजूद भी कई जगह से ऐसी तस्वीरें निकल कर आती है जो मजबूर करती है सोचने में कि जब अभी ये हाल है तो बाद में कितनी बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए। आपसे सिर्फ एक यही सवाल की चुनौतियां तो है, आपको लगता है कि सरकार पूरी तरह से कंट्रोल करेगी, जो ये गाइडलाइन आई है उसको फॉलो करा पाएगी? हमारी सरकार सक्षम है, बिल्कुल कंट्रोल करेगी। और आज के दिन गांवों में कुछ है ही नहीं, गांवरी स्थिति बहुत ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूं, किसान आज की कटाई के लिए लोग तैयार हैं, लोग बाहर जाना चाहते हैं, किसान काम करना चाहते हैं। किसानों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप 8 फुट और 9 फुट की दूरी में काम करें और मास्क रखें, और मास्क नहीं है तो गमछा रखे, गमछा नहीं है तो दुपट्टा रखे। ठीक है, बद्रीराम जी वापस आपके पास लौटेंगे, अरुण चतुर्वेदी जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है, बद्रीराम जी आपके पास वापस लौटेंगे सर। अरुण जी, उद्योगों को लेकर बात हो रही थी और अभी चर्चा भी हो रही थी कि एक एक बिंदु आया कि हाँ ये दिक्कतें हो सकती है, लेकिन एक और अहम बात है, अगर हम बात करें इंटर स्टेट लॉकडाउन की या इंटर डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन की, कि अलग अलग नियम अलग अलग गाइडलाइन के तहत है, इसे फॉलो कराना है, लेकिन वो मजदूर कैसे आएगा शहर के अंदर जब उद्योग तो है, काम करने वाले नहीं आएंगे, इन सब चीजों को लेकर असमंजस है, वो कैसे एंट्री करेगा? तो ये गाइडलाइन में तो शामिल है। अरुण जी, आपको लगता है कि सरकार को इसे लेकर थोड़ा सा या तो ढील दे या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड दो चीजें होनी चाहिए, या तो ये हो या तो नहीं हो? ठीक है, बड़ी स्पष्ट चीज है, गाइडलाइंस में भी साफ साफ है। अभी इंटर स्टेट ट्रेवल की परमिशन नहीं मिलेगी कुछ अपवादों को छोड़ करके, और जहाँ तक इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो विषय है उसको भी अपवाद स्वरूप ही मिलेगा, उसकी भी परमिशन बात नहीं है, इसलिए ये दिक्कत आने वाली है। लेकिन उन दिक्कतों के बीच में भी, जैसा अभी सुभद्र पापड़ीवाल जी कह रहे थे, मैं उनको सुन रहा, तो उनकी बात बहुत लॉजिकल थी। उन लॉजिकल बातों को सरकार ने, और बमरलाल जी मगवाल साहब ने भी कहा है कि सरकार ने इस विषय को चिंता किया, राजस्थान सरकार ने, और उसको केवल अलग अलग इंडस्ट्री एरिया के हिसाब से उसको डील विद किया जाए, इसके बारे में विचार करना शुरू किया है। मुझे लगता है कि सरकार को अभी से इसके ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर काम शुरू करना चाहिए। बन्ने चंद जी की जो चिंता है उसमें भी उन्होंने बात बड़ी की है, लेकिन ये बात इसमें पहले से ही गाइडलाइंस में, जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक करने वाले मैकेनिक की दुकान है वो खुलेंगी, इलेक्ट्रिक की शॉप्स खुलेंगी,
इन सबको खोलने का गाइडलाइंस में पहले से उल्लेख है। इसलिए केंद्र सरकार ने जब अपनी गाइडलाइंस जारी की है उसमें इस बात की चिंता की है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी चीज हो सकती है उनको हम कैसे कैसे रिलैक्स करके लोगों को दिक्कत ना हो, उसके बाद फिर छोटा जितना भी व्यापार की छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं उनको भी चालू करने की बात इसमें की गई है। राजस्थान, हर राज्य की अपनी स्थिति है, भौगोलिक स्थिति भी है, सामाजिक स्थिति भी है, उसके हिसाब से उस राज्य की सरकार को तय करना पड़ेगा कि हमें उसके बारे में अपने क्या नियम बनाने, कानून बनाने और कैसे हम इस कोरोना के संकट से भी लड़ सकें और साथ साथ आम जन को भी जो रिलैक्सेशन दिया उसको हम पूरा करें। बिल्कुल ठीक है। मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो दुकानदार है इनको क्या आप कोई पास देंगे क्या? हम जो दुकानें खोलेंगे इसके लिए गाइडलाइन क्या होगी? हमारे को पुलिस वाले आगे तक जाने नहीं देते, नेक कास्ट को बाहर है जयपुर आने। भवरलाल जी इसका जवाब दे दीजिए सर, इसका लॉजिक क्या रहा? भवरलाल जी इसका जवाब दे दीजिए सर, आपने कहा किसी को दिक्कत नहीं होगी लेकिन पर्यटन जी कोई सवाल है? व्यापारी आ नहीं सकता, कोई दुकानदार आ नहीं सकता? हां, और कौन कौन से व्यापारी को आपने सुविधाएं दी? जब देखिए देखिए मैं आपसे बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि चतुर्वेदी जी ने कहा है कि गाइडलाइन बहुत स्पष्ट है और मैं भी राजस्थान सरकार का एक अंग होने के नाते कहना चाहूंगा कि किसी भी दुकानदार को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो जो गाइडलाइन के अंदर रोज अखबार में आ रहा है गाइडलाइन वो स्पष्ट है, जो भी जनप्रतिनिधि उनके लिए भी वो स्पष्ट है, जो दुकानें खोले जाएंगी उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत सरकार नहीं आने देगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा। चाहे एग्रीकल्चर से संबंधित हो, चाहे किराना से संबंधित हो, चाहे किसी से भी संबंधित हो, सर क्या उनके लिए पास होगा? किसी भी प्रकार की दिक्कत, बिल्कुल सवाल ये कि क्या पास देंगे या बिना पास ही चल जाएंगे? भवरलाल जी सवाल देखिए दो है, या तो पास उनको मिलेगा तब तो आइडेंटिफाई होंगे कि ये दुकानदार हैं, उसकी आड़ में कई लोग और भी सड़कों पर निकल आएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी ऐसे असामाजिक तत्व नहीं है जो निकलना नहीं चाहेंगे क्योंकि अभी तो बंद है। कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैसे चेक किया जाएगा कि सही है? जो होलसेल का काम करते हैं, भवरलाल जी चमेली मार्केट ऐसे क्षेत्र जैसे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कर्फ्यू लगे हुए हैं, ऐसे क्षेत्र 49 है, उनकी बात नहीं कर रहे। उन 49 क्षेत्रों के अंदर हर सूरत के अंदर पास लेना पड़ेगा। ये माननीय मंत्री महोदय जो बातें ओपन लूप में हैं उनका जिक्र मैं कर चुका हूँ, इनके लूप्स ओपन है, ये क्लोज करने पड़ेंगे। इनका उत्तर समुचित तरीके से देना पड़ेगा, कल परसों में देना पड़ेगा, 21 तारीख आ रही है। लेकिन एक बात और निवेदन कर रहा हूँ मैं, 20 तारीख तक तो लॉकडाउन है, 21 से खुलेगा। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ माननीय की, एक भूख के बारे में एक लड़ाई का विषय लंबे समय से चल रहा है, सारे जितने भामाशाह तथाकथित जो आप कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, सरकार स्वयं, केंद्र की योजना, राज्य की योजना, गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे एक ऐसा नंबर बता दीजिए, एक टेलीफोन नंबर जहां पर एक भूखा व्यक्ति फोन करके इस बात को एश्योर कर सके कि आज वो फोन करे कल सुबह उसके यहाँ खाना पहुंच जाए। 181 का नाम मत लीजिएगा, अगर आप नाम लेंगे तो मैं कहूंगा फोन कीजिए और वहां से जो जवाब मिलता है वो बताइए क्या मिल रहा है। इसके अलावा कोई टेलीफोन नंबर बता दीजिए कि कोई भूखा आदमी, कोई भूखा श्रमिक जो हमारे जद में नहीं है या हम लोगों के संपर्क में नहीं आ पाया है या आपके संपर्क में नहीं आ पाया है, वो एक टेलीफोन करे और उसकी भूख का इंतजाम हो जाए, ऐसा एक नंबर बता दीजिए, पब्लिक डोमेन में बता दीजिए। मैं निवेदन करूंगा चैनल से कि वो पब्लिक को पब्लिशाइज कर दे उस नंबर को और कल से उसके भूख का इंतजाम हो जाए। माननीय दुकान खोलने का भी प्रोग्राम कराएं क्या? दुकान का क्या अभी तक कुछ? माननीय से मेरा प्रश्न है भवरलाल जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर ये बात सही है कि 181 नंबर सचिवालय का है, लेकिन राजस्थान में सचिवालय में वार रूम में दो नंबर और भी हैं, उनको छोड़ दीजिए। राजस्थान के 33 जिला कलेक्टरों के वार रूम बनाए हुए हैं, उन जिला कलेक्टरों के वहां एडीएम बैठता है, उस एडीएम के नंबर को वार रूम में कन्वर्ट किया गया है। उनके नीचे जितने भी एसडीएम हैं उनको वार रूम बनाए गए हैं, उन एसडीएम के नंबर हैं, वीडियोज के नंबर हैं। चलिए नंबर तो है सर, लेकिन वो नंबर उनके कोई रिप्लाई करता है ये सवाल की कोई जवाब क्या देता है? सर केवल एक नंबर दे दीजिए, मजदूर को इतने सारे नंबर जवाब देंगे तो उनको लिए पैसा। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि जिला कलेक्टरों को पूरा पैसा दिया जा चुका है,
अनटाइंड खंड का पैसा दिया जा चुका है। सर, एग्रीड। राजस्थान के मुख्यमंत्री मजदूर वहां तक कैसे पहुंचे सर? मुख्यमंत्री, चलिए क्योंकि ये मुद्दा भी हद है, लेकिन वक्त यहां पर खत्म हो चुका है सर, वक्त खत्म हो चुका है सर, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल है, गाइडलाइन है, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, लोग उसके जवाब भी यहाँ पर चाहते हैं, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जब 20 तारीख के बाद मॉडिफाइड लॉकडाउन यहाँ पर लागू किया जाएगा, चुनौतियां सरकार के पास बहुत है, लेकिन आम जन जिनके बीच में गफलत है, कई सवाल है, कई असमंजस है कि क्या ये होगा या नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसे लेकर भी क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। हालांकि ठीक है, मंत्री ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से साफ कुछ गाइडलाइन में दिया हुआ है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर इसके बावजूद भी सवाल उठ रहे हैं तो कोई तो हो जो इन सवालों का जवाब दे सके, लोगों की जो समस्या उसे दूर किया जा सके, ताकि पूरी तरह से फायदा वो इस मॉडिफाइड लॉकडाउन का उठा सके, उन रियायतों का उठा सके जो उनके हित के लिए की गई है। चलिए, शिक्षा बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना है, नमस्कार।